दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 1984 की, जब भोपाल शहर में लोग रात को सोए तो थे लेकिन सुबह उठे नहीं, जिसको नाम दिया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब भोपाल में यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री में एक खतरनाक केमिकल बनाया जाता था, जिसे 3 अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर किया जाता था। इन 3 टैंक्स में से 2 टैंक्स में 60% तो केमिकल भरा जाता था और बाकी 40% प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन भरी जाती थी। तीसरे टैंक को एज अ सेफ्टी मेजर खाली रखा जाता था। वही ये केमिकल इतना खतरनाक था कि अगर ये गलती से भी पानी या हवा के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस रिलीज होती थी। वही दूसरी तरफ इन टैंक्स के पाइप्स को पानी से रेगुलर क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता था, लेकिन उस रात पाइप और टैंक के बीच एक ओपनिंग खुली रह गई, जिस वजह से पानी टैंक्स के अंदर चला गया, जिसके बाद पानी केमिकल के साथ रिएक्ट कर गया और खतरनाक गैस निकलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। पूरे शहर में हाहाकार मच गया और 5,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।